तो भाई डोगा पुलिस पर पूछा कर दी तांग मोड़ दान दिया अरनू। अरे कौन सा का तू अरे के ग्रह है पुराना पुराना तू अरनू पूछा कर दिया भाई कौन सा पौआ पिया कर दा लो बेरी वाली माता पे रोग कटन की देसी पड़ताल हम करण खातर पहुंच गए हां बेरी बिना देरी और चेक करांगे डॉक्टर सांगवान की हेरा फेरी। आज मार गेला है भाई हमारा जो गुप्त सूत्र दौड़ा है उसने बताया अगर भाई बेरी वाली माता पे रोग कटे हैं भाई देखेंगे ये झाड़ फूक तंत्र मंत्र के मामला चल रहा है क्योंकि कईयों के मर्दों फोन आए तो मैंने बताऊं थे अगर भाई आड़े जो है बेरी वाली माता पे रोग कटे हैं की डाल की बीमारी बीमारियां की अगर मैं बात करूं तो भाई कई डाल की बीमारी बताऊं है नुकह शराब तक छुटाने का दावा कर रहे हैं है? सर्वाइकल है कमर दर्द है पेट की थैली में पथरी है फलाना है दिखड़ा ये देखो भाई फिलहाल जो है जड़ा दोक लग गए है यानी कि जड़ा झाड़ा लग गए है यू अंधविश्वास है या फिर वाक्य में इलाज है उसकी पड़ताल खेतर हम पहुंच गए हैं जिस हम बस स्टैंड था और बस स्टैंड पर है हम इस गली में एंट्री कर ली है और भितरला मंदिर है जो यानी कि नागरिक अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल का दौरा ही बताइए है न्यू बेरा वो झाड़ा लावा है न्यू बेरा नहीं वो कान में फूक मारा है कारण के है तो इन बातों की पड़ताल खेतर हम पहुँच गए हैं बेरी अरे यू अरे यो 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 इसे इसे हाँ रोक रोक आजा भाई ले भाई आजा भाई ये हम पता करांगे हम पहुंच गए हैं बेरी और बिना देरी चेक करांगे डॉक्टर की हेरा फेरी भाई ठाडू ठाडू राम 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 भाई साहब के नाम भाई सुनील नाम है भाई साहब सुनील के करा जी अपनी दुकान है जी बालाजी कॉस्मेटिक की जी अच्छा हां भाई ओ अनुन का आग्रह है बोले एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने राम राम भाई तो तन्ने भी तुम्हारा डॉक्टर के सामने बना लिया है डॉक्टर सामने बना दी जी बिल्कुल तन्ने भी करवा के मैं इलाज लूं जी हां जी करवा था जी किसा के करें ये जी पैर में दर्द था जी मेरे 15-20 साल से अच्छा तो इसमें लेजर लाइट से करवा था जी काफी आराम मिल रहा जी अच्छा मैं ऑपरेशन करवा रखा है पहले तो उसमें दर्द था इसका जो पॉइंट है ना मतलब इस पे लेजर लाइट से 2-4 दिन मैंने करवाया है उसे बहुत ही आराम मिल रहा है अपना क्या नाम भाई अपना बलवान शर्मा नाम है बलवान हाँ जी बोले भाई वक्त बड़ा बलवान है और बलवान का छोरा हमारा डब्बी है बहुत बढ़िया हमें क्या नाम विकास जी विकास विकास पै गया सारे टोंदे फिर हैं सारा माल मामला अड़े पुटला हो रहा है चलो फिलहाल पड़ताल करांगे हाँ जी डॉक्टर साहब राम राम जी दर्शकों ने भी ठाडू ठाडू राम 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 रेड पड़ गई आपके हॉस्पिटल पे रेड पड़ गई रेड पड़ गई धर्मो की देसी रेड में स्वागत है आपका देवी और सजनों और सीट पे बैठे हैं डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब मार द्वारा कई उनके कमेंट आए दर्शकों के और वन पूछे थे बोले भाई बेरी वाली माता पर रोग कटे हैं तो हमने फिर हिसाब से लाया मगर बेरी वाली माता पर तो बिरानी रोग कटे कि नहीं कटे हैं लेकिन उड़े एक डॉक्टर डॉक्टर प्रदीप सांगवान वो न्यू बिरानी झाड़ा लावा है न्यू बिरानी ऑपरेशन करे हैं न्यू बिरानी कड़वी दवाई दे और न्यू बिरानी मीठी दवाई दे ना तो मैं झाड़ा लगाता हूँ अच्छा ना मैं ऑपरेशन करता हूँ अच्छा और आपने एक बात कही है कि देवी वाली माता पे रोग कटते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता पे रोग कटते हैं कटे हैं मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ अच्छा यहाँ 10 साल से बेरी के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गरीब मरीजों का अच्छा ईमानदारी से इलाज करने की कोशिश करता हूँ शराब के सर्वाइकल के बैकएक के तो पथरी के अच्छा यूपी तक के पेशेंट आप और आपको भरोसा नहीं होगा मैं एक पेशेंट तो गोवा से भी आया था अच्छा जी ईपी है कि कोई दूर था आया पेशेंट नहीं ये अभी दूर का तो नहीं है बेरी के दिन रात देखो नहीं इलाज कर कर हम बेरी के चारों तरफ के लोग बैठे हैं अच्छा जी एक तो दो तीन डेंगू के पेशेंट है कोई शराब का है कोई सर्वाइकल का है अच्छा जी चलो वहां तक में बात करेंगे डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में देख सकते हो अच्छा पहले पेशेंट के लिए बात कर लें भाई पेशेंट्स का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अंदाजा लाओगे हाँ जी कितने पैक ला कर दे मैं एक महीना लगा अच्छा पिया नहीं करते आप तो आप किस लिए आए हो जी मेरा भतीजा है जी अच्छा अच्छा इसका ट्रीटमेंट चल रहा है हाँ जी क्या दिक्कत होगी थी डेंगू था जी अच्छा अब है आराम हाँ जी फुल आराम जी अच्छा, कब लेके आए थे 3-4 दिन पहले हाँ जी क्या नाम तेरा अश्वनी अश्वनी फिर क्यों दमकाओ क्या था छो मैं गिल्ला छोटा और गिल्ला समाइल है चेहरे पर समाइल आराम है बिट्टे हाँ बहुत बढ़िया शाबाश हाँ भाई धीरे धीरे जी ना तू मत तू जुम्मा इसमें मगन हो रहा है भाई ने भी संभाल ले देख रहे देख करके भेजे तो न्यूज ने अगर भाई की संभाल करेगा राड़ा का मोबाइल में गेम खेल है यू क्या तो खेल है डॉक्टर सारा कुछ संभाल लेगा बेरी से क्या दिक्कत थी इस लड़की का बुखार चढ़ रहा है अच्छा है कुछ आराम हाँ, आज लेके आए हुए चलो
बेरी सिंह जी। बेरी जी, क्या दिक्कत थी आपको? मेरी कड़ में दर्द था बहुत ज्यादा। अच्छा, 20-25 दिन पहले दवाई ली मैंने, मेरा 100 में 70 आराम। 100 में 70% आराम है। हाँ, काफी लोवा लग गया फिर तो मामला। हाँ, लोवा के आराम तो जानदा ही रहोगा दर्द। चलो, कुछ बेरी वाली माता काम करेगी, कुछ बेरी वाला डॉक्टर काम करेगा। भाई और सीट पर कब्जा कर लिया रतन रितियान में, देख कुर्सी छोड़ने का धर्म रहा भाई, जमा फट दे कब्जा कर ले। एक बात है डॉक्टर साहब, कुर्सी कुर्सी का रोला सारा। चलो, डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है आज। अब डेंगू काफी, डेंगू काफी फैला हुआ है बेरी एरिया के अंदर। अच्छा जी। और इसका हम इलाज करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा और एलोपैथिक दोनों चीज। अच्छा, जैसे सर्वाइकल है, कमर दर्द है, रंगड़ बाव है, पथरी है, ये जो बीमारियां हैं, गोड्डों में दर्द, ये जो बीमारियां हैं, इनका हम आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा, आयुर्वेद की भी केरला आयुर्वेदिक, मतलब केरला से दवाइयां मंगाते हैं हम। अच्छा, आपको भरोसा नहीं होगा ये सोच के, लेकिन मैं केरला की ही दवाइयां यूज करता हूं इन बीमारियों के लिए। अच्छा, और साथ में एक चीज और है, लेजर। मैं लेजर थेरेपी भी यूज करता हूं इन पेन के लिए। ये गजब की चीज है भाई, लेजर थेरेपी यानी कि बिना चीरफाड़ के। और रही बात, एक बीमारी और है जो एक आम बीमारी है गाँव में, मैंने काफी सोच समझ के उसके बारे में लोगों का, घर परिवारों को बचा, टूटने से बचाने के लिए उसका इलाज शुरू किया। भाई एक आम आदमी, गरीब आदमी किस चीज से परेशान है, शराब एक ऐसी कुरीति है हमारे समाज में जो आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसके ऊपर मैंने सोच के काम किया, गरीब मरीजों का आप भरोसा नहीं करोगे, एक रिक्शा वाले से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक का इलाज किया मैंने। अच्छा, हजारों मरीजों का इलाज किया शराब का। अच्छा डॉक्टर साहब, 99% रिजल्ट है, तो यदि पेशेंट ने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया तो वो छोड़ देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लो कोई गरीब पेशेंट हो, जो मैं आर्थिक स्थिति कुछ तो शराब की वजह से खराब होगी और कुछ वैसे लाचार बेबस है, तो उसके लिए हॉस्पिटल की तरफ से किस तरह की सुविधा? दवाई ले जाए, कभी हो जब दे दे। अच्छा, मर्जी है, साथ कुछ जाना नहीं, यहाँ कुछ रहना नहीं, लेके कोई जाएगा नहीं। भाई डॉक्टर साहब ने शराब यहाँ खतर बड़ा ऑफर दे दिया है, जो शराब छोड़ना चाहे किसी चीज का। अच्छा जी। नहीं है उसकी हिम्मत, ले जाए कभी हो जब दे जाए, दिक्कत नहीं। अच्छा, भगवान ऊपर वाला और देगा। भाई इसे डॉक्टर भी घाटे मिलेंगे, नहीं तो आजकल डॉक्टर डाकू बन रहे हैं और वह सब तो पहले जेब पर डाका मारे हैं। लेकिन डॉक्टर सांगवान का साफ तौर पर कहना है कि भाई कोई आर्थिक रूप से यदि कमजोर हो वाक्य में उसको, तो जी वो ठीक हो जाए फिर पीछे दे जाए। ताऊ जी आपका क्या दिक्कत थी? सर्वाइकल था मेरे को। सर्वाइकल? हाँ जी। रिटायर हूँ, काफी दवाइयाँ खाई सारे। अच्छा, आराम ना हो, डॉक्टर साहब का पता लगा, इनके पास आ गया। अच्छा, इन्होंने दवाई दी मेरी, कुछ एक्सरसाइज है भी वो ठीक हो गए। अच्छा, अच्छा पिछले साल फिर एडी में दर्द रहने लग गया, फिजियोथेरेपिस्ट है ना, बहुत दवाई बताई, कोई ठंडा पानी कोई गर्म पानी, दवाई खाई कोरा में ना हो, फिर इनके पास ये निकले जी आयुर्वेद की दवाई खानी पड़ेगी, लंबा ट्रीटमेंट चला, दर्द जड़ से चला जाएगा। माँ जी लंबा खा लूँगा, एक महीने दवाई थी नहीं लंबी बताई थी ना पहले, कह दी पहले तीन टाइम पे दूंगा 10-10 दिन की। अच्छा, और वो खाने पड़े एडी में दर्द जाए मेरे बताया, तो भाई मन तो एक महीने खाई वो 30 दिन 10-10 दिन 3 कोर्स की। अच्छा, मेरे एडी में दर्द ठीक हो सारे। यानी कि एडी तो लेके चोटी तई का दर्द का झाड़ा झाड़ा नहीं इलाज है यू, झाड़ा नहीं कदे को नहीं सोचे भाई, अगर भाई बेरी वाली माता पर डॉक्टर झाड़ा लावे है, डॉक्टर करे कड़वी कड़वी दवाइयाँ के लिए इलाज। अरे ये देखो भाई ये डोगा पुलिस देखिए छोटी छोटी एक बार ये आजकल दुर्लभ होगी। तो भाई डोगा पुलिस पर पूछा कर दी तंग मूड दान दिया, अरे कौन सा का तू आड़े के ग्रह है पुराना पुराना तू, अरे नु पूछा कर दिया भाई कौन सा पौआ पिया करता, अंग्रेजी पिया करता देसी? अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी पिया करता, डेली पैसेंजर हो गया था जमा डेली, तो क्यों कर छोटी फिर डॉक्टर साहब की दवाई था। ले भाई डॉक्टर प्रदीप सांगवान ने जी भी इनका झाड़ा लाया, अरे वाह बात है भाई, ये झाड़ा इबताव वाला झाड़ा था पहले लाख जिंदा, इसका बखत है बखत क्यों ताऊ जी, यू बखत तो यू झाड़ा लाख जिंदा दारू नहीं पीवा रे ना, यू झाड़ा लाख नहीं पीवा को नहीं है। तो डॉक्टर प्रदीप सांगवान का झाड़ा इसका काम आया, अरीब जिंदगी में किसा महसूस कर रहे हो छोटे पाछे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नई जिंदगी मिल गई, नई जिंदगी ये बात। तो भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए घातक है, ना केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भी। चलो डॉक्टर प्रदीप सांगवान जी, आजकल कई लोगों के पेटा में पूरे उसके बजरी के ट्रक बरामद हो जाए, पथरी पाओ भारी मात्रा में, तो क्या मैम तक की पथरी का इलाज आपके पास उपलब्ध है? देखो पित्त की थैली की पथरी,
पाँच से छः एमएम तक मैं ठीक करता हूँ दवाइयों से। गुर्दे की पथरी 20 एमएम तक, 20 एमएम तक की पथरी का मैं देसी आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज कर देता हूँ, बिना ऑपरेशन के, बिना चीरफाड़ के, बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़। ना भाई किसी का पेट में कितने बजरी का ट्रंक पड़ा हो, नहीं कोई पत्थर पड़ा हो तो आड़ा है जी हो। चलो भाई वीडियो नहीं करता जी, लगा शेयर शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि बीमारियां तरह इसको दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।